हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपको जो है दो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहला कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, दूसरा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ये दोनों टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम में भले ही आपसे जो है एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए अबाउट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तब भी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो भी आप इसको अच्छे से जो है रिप्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे से अपने एग्जाम में इसको कवर अप कर पाओगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे चॉइस की जाती है, क्या इसकी चॉइस होती है। अगर बात करें डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खुद से। यानी कि जैसे मैंने क्या किया, कोई भी आजकल इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जिससे आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हो, या इधर इस तरीके की कोई भी चीज़ों में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप खुद अपने बिहाफ पे सब चीज़ें कर रहे हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप खुद कंपनीज का जो है डाटा एनालाइज कर रहे हो और अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर हर व्यक्ति इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है और वो चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी कंपनी जो कि इस चीज़ में माहिर है वो मुझसे थोड़ा सा चार्ज ले ले और मेरी जो है इन्वेस्टमेंट वो करे, तो मैं उनको बस पैसे दे दूँ और वो जो है ठीक लिहाज से जो मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस है उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए वो बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ पर जो इस टाइप की सिचुएशन बनती है वो होती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बल्कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराई जा रही है, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सच एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर्स, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्टी, ऑप्शन, वॉरेंट्स, फ्यूचर एंड मेनी फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए चॉइस है, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल है। या तो आप जा सकते हो किसी प्रॉपर्टी के लिए, शेयर्स के लिए, लिस्टेड शेयर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आपके ऑप्शंस है या वॉरेंट्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें, या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट की कोई इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले होते हैं अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो। वहीं अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हो तो वहां पे क्या होता है, मैनेज इन्वेस्टमेंट होता है, ऑफर एक्सेस टू मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट रेडिली अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर। अब यहाँ इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ वहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑप्शन क्या मिलता है, देखो कई जगह ऐसी है जहां पे क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अगर मैं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किसी जगह करना चाह रही हूँ, शेयर लेना चाह रही हूं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकती हूं। लेकिन कई जगह जो है ऐसी चीजें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते या छोटा मोटा अमाउंट लाने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वहां पे जो बड़ा अमाउंट लाएगा उसी की इन्वेस्टमेंट कराई जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उसी को एक्सेप्टेबल करते हैं। जैसे मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मुझे जो है बड़ा अमाउंट चाहिए, अब छोटा छोटा अमाउंट जो है मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे चाहिए कोई इंस्टीट्यूशन आकर के पैसा डाल दे, तो वहां पे ऐसी कंपनीज जो कि एसेट मैनेज कर रही हैं या फिर जो है दूसरों से पैसे लेकर के आगे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ऐसी कंपनी छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं और ऐसी बड़ी कंपनी में डाल देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली उनका पैसा जो है ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे पहले अगर वो इंडिविजुअली डालते तो रिस्ट्रिक्टेड होता या उसको जो है इतनी एक तरीके से नहीं लिया जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैनेज इन्वेस्टमेंट्स होता है जो कि एक आपको ऐसा मार्केट भी एक्सेस करा देता है जहाँ पे आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती, बट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली आपका पैसा उस टाइप की जगह पे भी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल और रीजनल मार्केट, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है या रीजनल मार्केट है, सच एज एमर्जिंग मार्केट ऑफ चाइना, जैसे चाइना के मार्केट है, एमर्जिंग मार्केट ऑफ चाइना, इंडिया और ईस्टर्न यूरोप, अल्टरनेटिव एसेट क्लास सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर और डेरिवेटिव्स, तो इन जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अगर आप जाते हो इनडायरेक्ट के ऑप्शन में। नेक्स्ट इज योर लिंक, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आपका लिंक होता है वो डायरेक्टली आपके इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, मैंने जो है डायरेक्टली जाकर के शेयर खरीद लिए किसी के भी, रिलायंस के या फिर जो है आपके टाटा के, तो वहां पे क्या है एक डायरेक्ट लिंक बन गया है बिटवीन बोथ द पीपल। लाइक इफ आई एम एन इन्वेस्टर तो मेरे साथ जो है जिस भी कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उस दोनों के बीच में क्या है एक डायरेक्ट लिंक बना हुआ है, और इनडायरेक्ट लिंक में ऐसा कोई लिंक नहीं होता।
नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी. डायरेक्ट में क्या होता है, रिटर्न इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टी. अब देखो, मैंने जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रियलायंस में कटी, अब वहां पर रियलायंस की जो परफॉर्मेंस होगी या उसकी जो भी जो है एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी, उससे जो है मेरा रिटर्न जो है कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा. तो मेरा रिटर्न अच्छा होगा अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है. अगर मेरा रिटर्न खराब हुआ यानी उस कंपनी की जो है परफॉर्मेंस खराब हुई, तो इसका मतलब है कि मेरी रिटर्न भी खराब जाएगी. बट वहीं इनडायरेक्ट में ऐसी बात करें तो रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है कि जिस भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को आपने अपना ये अपना एक कार्यभार सौंपा है कि जाओ मेरे नाम से इन्वेस्टमेंट करो, ये लो पैसे, ये मेरे दादा परदादा के पैसे हैं, ये मैंने बचा के रखे हैं, जाके इसको अच्छी कंपनी में लगाओ. अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट खराब कर दी, उन्होंने ठीक तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं किया. नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो, नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट. यानी कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे मत करो. लेट सपोज मेरे पास 1000 रुपीज़ है तो या फिर जो है 10,000 रुपीज़ है और मैंने सारे के सारे जाकर के लगा दिए बिटकॉइन में कि भैया बिटकॉइन जो है बहुत फेमस हो रहा है, एलन मस्क जो है कुछ ना कुछ तगड़ा करेगा, तो इसमें जो है मेरा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बट एक्चुअली मैं अपने सारा पैसा एक ऐसे जगह पे लगा दिया है कि अगर वहाँ पे जो है वो गिर गया तो आप जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, आप जो है कहीं ना कहीं पूरा लॉस उसमें खा जाओगे. वही कहती है ना कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट साइड बाय साइड जो है दूसरा ऑप्शन भी आप जो है अपना देखते रहिएगा, अपनी शादी की तैयारी भी दूसरे साइड करते रहिएगा. वो वाला प्लान यहाँ पे बनता है कि आप जो है सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है 2-3 जगह में ऐसे बांट दो. जैसे थोड़ा सा गोल्ड ले लो, थोड़ा सा जो है फिक्स डिपॉजिट कर दो, थोड़ा सा इक्विटी कर दो, थोड़ा सा डेप्ट में डाल दो, ताकि रेगुलर इनकम का भी ऑप्शन आए, आपके पास जो है हाई वैल्यू होने के भी ऑप्शन रहे. तो इस तरीके से अपनी जो सारी की सारी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करो. डाइवर्सिफाई यानी कि एक जगह ना करते हुए उसको जगह जगह फैला देना. और जब आप ऐसे अपनी जगह जगह फैला देते हो तो उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो. जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने जो है इक्विटी ले रखी है 10 अपनी जो है किसी कंपनी की, डेब्ट मैंने ले रखे हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं, अपने जो है म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं. तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड माय पोर्टफोलियो. यानी मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुई है, अगर आप उसको नटशेल में देखो एक इकट्ठा करके, तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है. तो ये आपका पोर्टफोलियो कहलाया जाएगा. तो अब आपकी पोर्टफोलियो कैसे मैनेज की गई है उस कंपनी द्वारा जिसको आपने ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो है प्रॉफिट कैसे होने वाली है, आपकी रिटर्न कैसे आने वाली है. सो रिटर्न डिपेंड करता है अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी इन मैनेजिंग द पोर्टफोलियो. यानी कि उस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो है कैसे मैनेज किया है पोर्टफोलियो को, इस बात पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज योर डिसीजन. डिसीजन के ऊपर क्या मतलब है, डिसीजन यानी कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सब चीज़ें कर रहे हो, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो किसी को, तो यानी कि आपकी जो भी डिसीजन होंगी वो आप खुद ले रहे हो. यहाँ पे आप अपना खुद का डिसीजन करते हो कि मुझे किस कंपनी में जाना है, मुझे किस कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है. और वहीं पे अगर इनडायरेक्ट सिचुएशन है तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है यानी जिसको भी आपने ये कार्यभार दिया है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ जो है उसको चीज़ें करनी है. मैं अभी आपको जो है एक ऐप खोल के दिखाती हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट का ये एक ऐप है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतने सारे जो है ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कंपनी है जो कि आपका पैसा लेकर के इन्वेस्ट करती है, ठीक है. तो जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है निकालती हूँ ये ICICI का एक फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड है. तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर इसमें अपना पैसा लगाऊंगी तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि ये आगे कहाँ कहाँ और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये मेरे पैसे को कहाँ कहाँ आगे यूज़ करना चाहते हैं. और मुझे जो है अभी जो इसमें रिटर्न दिखा रहे थे, यानी कि इसने प्रीवियसली इतना कुछ अच्छा रिटर्न दे दिया है. तो ये एक एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट इज योर कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका जो है कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है अगर आप कंपेयर करोगे इनडायरेक्ट से, क्योंकि डायरेक्ट में क्या है, आप सीधा सीधा जो है अपना काम कर रहे हो. तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज फी लगती है जो भी आपकी एक तरीके से होती है इन्वेस्टमेंट की. अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो तो वो आपकी जो है यहाँ पे कॉस्ट लगती है, साथ ही साथ आप अपना टाइम दे रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट हो जाती है. सो द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ब्रोकरेज फी फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस एंड योर ऑन टाइम. बट वहीं इनडायरेक्ट में क्या होता है, यू मे पे एन एंट्री फी एज वेल एज एन एनुअल मैनेजमेंट फी. यानी कि जब आप कुछ बाय करोगे तो उसके लिए आपको जो है कुछ एंट्री फी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो है आपको सालाना उनको आपकी जो भी आपकी वो इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे, एंड ट्रस्टी फी देनी पड़ेगी, एंड फी फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस. और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के एडवाइस के लिए जो भी उनकी फीस लगती है वो देनी पड़ेगी. सो कंपेयर करोगे तो इनडायरेक्ट में आपको जो है फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, पर यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा, अगर आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज
नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है, एक अच्छी तरीके से आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्ट में क्या होता है, रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स स्विचिंग इन एंड आउट फॉर कैश या ऑफ कैश एंड री इन्वेस्ट ऑफ इनकम आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। कई बार क्या होता है जो रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो स्विच इन करना यानी बार बार आना और छोड़ना, बार बार खरीदना बेचना, इसमें कई बार डिफिकल्टीज हो जाती हैं और कुछ एक्सपेंसिव भी हो जाता है क्योंकि आप खरीद बेच रहे हो तो उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस लग जाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट, जो आपकी ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट की द एबिलिटी टू री इन्वेस्ट इनकम एंड ईज ऑफ स्विचिंग इन्वेस्टमेंट मेक देम वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है, जैसे आपकी जो है आप री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इनकम को जो भी उससे मिल रही है, तो उसको जो है स्विच करना इन्वेस्टमेंट को, ये थोड़ा सा उसमें अट्रैक्टिव बना देता है। ना आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।